भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत रोड शो भी किया। देखिए इस खबर में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को मंदसौर नीमच व जावरा संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सांसद सुधीर गुप्ता के समर्थन में प्रचार करने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर गुरुवार दोपहर नीमच पहुंचे, जहां श्री तोमर ने संसदीय क्षेत्र के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिसके पश्चात शाम को अग्रवाल पंचायत भवन बारादरी से महाजनसंपर्क आरंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहर के प्रमुख मार्गों पर खुली जीप में सवार होकर भाजपा प्रत्याशी सांसद सुधीर गुप्ता के पक्ष में समर्थन देने की अपील की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री तोमर के साथ जीप में लोकसभा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, जिलाध्यक्ष हेमंत हरित, विधायक दिलीप सिंह परिहार व जावत विधायक ओम प्रकाश सकलेचा शामिल थे। जनसंपर्क बैंड बाजे व डीजे के साथ बारादरी से प्रारंभ हुआ, जो नया बाजार, घंटाघर, पुस्तक बाजार व 40 नंबर चौराहा सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। महाजनसंपर्क रोड शो का जगह जगह शहर के नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। रोड शो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 40 चौराहे पर संबोधित भी किया। रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ढोल की थाप पर थिरकते हुए व भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए चल रहे थे। रोड शो में राकेश पप्पू जैन, अवंतिका जाट, महेंद्र भटनागर, आदित्य मालू, भूपेंद्र भीमावत, विकास शर्मा, चंद्रप्रकाश लालवानी, केजार भाई बाल्टीवाला, राजू नागदा मोड़ी, रोशन वर्मा, जीतू तलरेजा, वीरेंद्र जायसवाल, मिशिलाल रियार, बलवंत राव जाधव, छाया जायसवाल, अनिल माली, वंदना खंडेलवाल, किरण शर्मा, मुकेश सिसोदिया, हेमलता धाकड़, राजेश लालवानी, राजेश अजमेरा, विनीत पाटनी, संतोष पंजाबी, राजू देवी भील, किरण सैनी, आयुष कोठारी, अरुणा तलरेजा, ममता सोनी, हेमलता धाकड़, आकांक्षा तलरेजा, गोतावरी लालवानी, गंगा देवी राव, कमलेश मांदलिया व प्रकाश मंडवारिया सहित बड़ी संख्या में जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे।